आज का टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अर्थात किसी भी वेक्टर को कैसे उनके कंपोनेंट्स में तोड़ा जाए, उसके घटकों में कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं। ठीक है, 2D की बात करेंगे। तो इसमें अगर मान लो कोई वेक्टर ओ ए है, ओ ए अगर ए कोई वेक्टर है जिसको ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ओके, इस प्रकार से ए कोई वेक्टर है, इसको अपने कंपोनेंट्स में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ओ ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है और वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मान लो कोई वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं कि इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से, इसको कैप बोलते हैं ऊपर, ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको इसके वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर वाली वेक्टर और उसके परिमाण से, उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दे तो वाली वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो अगर ए कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर ए कैप है तो वो क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो हमने क्या कहा कि ओ ए वेक्टर है, इसका उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट होगा। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो ओ ए का अगर इधर की तरफ, ओ ए का ईस्ट एंगल की बात करें, ओ ए बी में, तो अगर ए है, अगर ए एंगल अल्फा है तो ए वाली ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस अल्फा होगा। ओके, और ओ सी क्या होगा, अगर ओ ए है और ए वाली एंगल बीटा है तो ओ सी होगा ए कॉस बीटा। ठीक है, ये तो हमने पहले कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आई कैप क्या है, आई कैप है एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, और जो जे कैप है वो वाई एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश है, जे कैप एकांक सदिश है वाई एक्सिस के अनुदिश। और इसी प्रकार अगर के कैप की बात करूं, अगर यहाँ से मान लो अगर ऊपर की ओर एक एक्सिस खींच देते हैं इसके परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस हो जाती, वो क्या होती, अगर के कैप होता तो जेड एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश होता, वो हम लोग 3D में बात करेंगे। ठीक है, अब वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये वाली ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर, वहीं ओ सी वेक्टर या बी ए वेक्टर दोनों समान ही होंगे, दोनों परिमाण और दिशा समान है, तो ओ सी वेक्टर। अब हमने देखा कि ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी को लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा, इसका परिमाण और दिशा। आई कैप क्या है, एकांक सदिश है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका घटक लिया है, तो परिमाण इस वेक्टर का क्या है, ए कॉस अल्फा, और आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश है। तो अगर कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके परिमाण में उसके एकांक सदिश से गुणा कर दे तो वेक्टर प्राप्त हो जाता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमको वो वेक्टर ओ बी वेक्टर प्राप्त करना है, तो इसका परिमाण क्या है, ए कॉस अल्फा, और दिशा क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है इसके अलोंग, आई कैप। तो आई कैप से हमने गुणा कर दिया तो वो भी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ओ सी भी लिख दिया, ए कॉस बीटा जे कैप, देखिएगा यहाँ पे एक कॉस बीटा है, अगर यहाँ पे साइन लेते तो क्या हो जाता, अल्फा हो जाता, ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, इसी प्रकार एक्स वाई जेड प्लेन की बात करें तो इसी वेक्टर को अगर मान लो वही वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता, तो अगर के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता, तो ए को कैसे लिख देते, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप। अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल है। अब हमने देखा कि अगर इस वाली ट्रेंगल में बात करें तो ए कॉस अल्फा, अगर इस वाली ट्रेंगल बात करें तो ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा यही होगी, और ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा भी अगर हम निकालें, ए साइन अल्फा तो यही होगा, तो ए कॉस बीटा और ए साइन अल्फा दोनों इक्वल है। ठीक है, अब किसी 2D में जो ए कॉस अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ए का जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब, और ए साइन अल्फा को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, ए कॉस अल्फा क्षैतिज घटक और ए वर्टिकल कंपोनेंट मतलब लंबवत घटक क्या बोलते हैं। तो इसके बाद हम अगले टर्म में बात करते हैं दो सदिशों का, दो सदिशों को जोड़ेंगे कैसे, एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, इस प्रकार से 3D में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर 2D में होता तो ए वाली टर्म नहीं होती, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के है। ठीक है, तो अगर वेक्टर सी ए प्लस बी करना है तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस
ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैफ प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैफ प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैफ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, मतलब कि कैसे डॉट और स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, स्केलर मतलब होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन कैसे करते हैं, अगर मान लो ए और बी कोई वेक्टर है तो उसका अदिश गुणन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। हम लोग क्या ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, और ए डॉट बी प्लस सी को अगर मान लो ए डॉट ए में बी प्लस सी में डॉट करना है तो ए डॉट बी प्लस, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मान लो कि ए अगर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड का बी इस प्रकार है, तो इन दोनों का सदिश गुणन कैसे करेंगे। सबसे पहले आई डॉट आई की वैल्यू निकालते हैं। आई का परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड। आई कैप का क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका परिमाण एक है, इसकी आई का परिमाण क्या है, एक है। और अगर कोई वेक्टर एक्स एक्स इसके अलोंग है, आई कैप ऐसे अगर आई कैप है और फिर एक और आई कैप है इसी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है वो भी, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आई के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, तो कॉस जीरो वन होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। और जे डॉट जे भी वन ही आएगा, इसी पर के डॉट के भी वन आएगा। अगर आई डॉट जे की बात करें तो आई और जे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच के एंगल क्या है, 90 डिग्री, और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वन वन है, तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और के जे के की वैल्यू जीरो आ जाएगी, के आई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो ए डॉट बी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, इसका उसमें गुणा करेंगे, इसका उसमें गुणा करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर जैसे बताया मैंने, तो ए एक्स आई का बी एक्स आई में करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, आई डॉट आई की वैल्यू क्या आई है, एक, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इसी पर करेगी, वाई प्लस बी वाई, ए जेड प्लस बी जेड। और रही बात ए एक्स आई प्लस बी वाई आई जे की, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो, तो उन वाली टर्म को हमने नहीं लिया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।